अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की। 28 जनवरी 2020 न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक खबर, उसका पहला पैराग्राफ, धूप का चश्मा पहने रहस्यमय लोगों ने ताजमहल खंगाल दिया है, रैली की जगहों और प्रेसिडेंशियल सुइट्स की तलाश जारी है, तैयारियों में उस व्यापार समझौते पर हो रही आखिरी चरण की बातचीत भी शामिल है जिसका लोगों को काफी इंतजार है। ये खबर थी क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं। रेकी भले आगरा की हुई हो लेकिन उभर कर दो शहर आए, नई दिल्ली और अहमदाबाद, जहां ट्रंप का जाना तय है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति आए, ताजमहल के आगे फोटो खिंचाए, परिवार के लोग होली खेलते दिख जाएं, तो भारत की जनता बम बम हो जाती है। पर ट्रंप के आने में इस यूफोरिया के अलावा भी कई चीज़ें समाहित हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। पहला है डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की टाइमिंग। ट्रंप इम्पीचमेंट से बच गए हैं, महाभियोग से, लेकिन ट्रायल की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। बातें चल रही हैं कि ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को बयान देने का मौका नहीं मिला, जबकि बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। इस वजह से अमरीकी मीडिया का एक प्रभावी हिस्सा कह रहा है कि ट्रंप ने इम्पीचमेंट प्रक्रिया को लेकर चल रही इन बातों का रुख बदलने के लिए भारत यात्रा की अपनी टाइमिंग चुनी है। लेकिन गुजरात ही क्यों, ट्रंप के लिए क्यों ये अहम है? अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे 2017 के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 40 लाख लोग हैं, यानी 1000 लोगों में 13 लोग भारतीय मूल के हैं। इसमें भी तकरीबन 20% गुजराती मूल के हैं। ये अमेरिका की एक मजबूत लॉबी है। वहाँ गुजराती आबादी की बसाहट के मुख्य ठिकाने न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, वॉशिंगटन और फिलाडेल्फिया हैं। कारोबार, विज्ञान और पावर कॉरिडोर तक गुजरातियों का रसूख है। अमेरिका के तकरीबन 40% मोटर्स गुजराती चलाते हैं। मोदी खुद भी गुजरात से हैं, एनआरआईज के फेवरेट हैं। अब 2020 के आखिर में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल चाहते हैं, ऐसे में गुजराती समुदाय और इंडियन अमेरिकन वोटर्स को एक बार में ही रिझाना चाह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या हाउडी मोदी की तर्ज पर एक और प्रोग्राम होगा। सितंबर 2019 आपको याद होगा, तब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी हुआ था। ट्रंप और मोदी हाथ में हाथ डाले नजर आए थे मंच पर। इस बॉडी लैंग्वेज की खूब बातें हुई थी। अब वैसा ही कार्यक्रम केम छो ट्रंप के नाम से अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में होगा। उसी रोज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी होगा, जिसमें 1,10,000 लोग बैठकर एक साथ मैच देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन पर ट्रंप के सख्त रवैये के कारण वहां रहने वाले भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से छिटके हैं। ट्रंप मोदी के साथ नजर आकर अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। पर असली बात तो पैसे की है, जहां पैसा है वहां अमरीका है, इसलिए ट्रेड डील की बात भी समझ लेते हैं। ट्रंप ऐसा विदेशी व्यापार चाहते हैं जहां अमरीकी उत्पादों पर कम टैरिफ, कम शुल्क लगाया जाए, कम फीस लगाई जाए। भारत से भी ट्रंप की यही उम्मीदें हैं। वो भारत को टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड कह चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं भारत आयात बढ़ाए और टैरिफ घटा दे। वहीं भारत क्या चाहता है कि अमरीका कुछ चीज़ों से ड्यूटी फी घटा दे। इसके अलावा भारत अमरीका से प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस भी चाहता है, जिससे टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैरिफ कम हो जाए जो अमरीका लगाता है। बाकी आर्म्स डील तो है ही। कहा जा रहा है कि ट्रंप की इस यात्रा के दौरान लगभग 1,84,000,000,000 रुपयों की आर्म्स डील हो सकती है, जिसमें भारत अमरीकी डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन से नौसेना के लिए MH-60R सियॉक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ये तमाम बातें इस दौरे की महत्ता को बढ़ा देती हैं। किसी भी वर्ल्ड लीडर के किसी दूसरे देश पहुंचने के पीछे एक और बड़ा पहलू होता है, जिसको पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स। भारत और अमरीका दोनों के आगे चीन की चुनौती है, सुरक्षा में भी और व्यापार में भी। ट्रंप की इस इंडिया विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच चीन वाले मोर्चे पर भी कुछ ठोस अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। थोड़ा छूट लेकर कहें तो कह सकते हैं कि मामला सबका साथ सबका विकास वाला है। देखना यह है कि इस दौरे से भारत के हित सत्ते हैं या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली का मंच भर बनकर रह जाता है।